बॉबी जॉन मेनेस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। 8 धमाकों के बाद श्रीलंका एयरपोर्ट पर डिफ्यूज किया गया 6 फीट लंबा पाइप बम, 13 अरेस्ट। श्रीलंका में रविवार दोपहर को हुए 8 सीरियल ब्लास्ट के बाद वायुसेना ने शाम को कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल तक जाने वाली सड़क के पास एक 6 फीट लंबा पाइप बम डिफ्यूज किया। दरअसल इन 8 धमाकों में 207 लोग मारे गए थे और इन धमाकों से संबंधित 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धोनी के सर्वाधिक T20 स्कोर के बावजूद चेन्नई को बैंगलोर ने 1 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराकर IPL 12 में तीसरा मैच जीत लिया। वहीं बैंगलोर टीम ने चेन्नई के खिलाफ IPL में लगातार 7 हार के बाद पहली जीत दर्ज की। इसके अलावा मैच में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने T20 क्रिकेट का अपना सर्वाधिक स्कोर भी बनाया। सचिन को हग करना और उनसे सलाह लेना चाहते हैं पाक विश्व कप टीम में शामिल अली। पाकिस्तान की विश्व कप टीम में शामिल ओपनर आबिद अली ने कहा कि उनकी दिल की इच्छा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मिलने की है। 31 वर्षीय अली ने कहा, निश्चित तौर पर मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। जब मैं उनसे मिलूंगा वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। बकौल अली वह सचिन से सलाह भी मांगना चाहते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।